So, hello dear students of SPS. So, in this video lecture, we will discuss about amniocentesis. The amniocentesis kya hai? Iska pura procedure kya hai? Iske kuch benefits and kuch iske drawbacks, unko is video ke andar hum discuss karenge. So, in the previous video, we had discussed about the different contraceptive methods. Jo different types ke hamare paas pregnancy ko prevent karne ke liye अलग अलग टाइप के मेथड्स थे, उनको हमने डिस्कस किया था. सो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा एमनियोसेंटेसिस. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? पहले इसकी डेफिनेशन पर हम आते हैं. व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? एमनियोसेंटेसिस इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अंडरगॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट इज़ कॉमनली यूज टू चेक द बेबीज क्रोमोसोम. इट कुड बी कॉल्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. सो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर. ये एमनियोसेंटेसिस हमारे पास क्या है? एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है. ये जैसे जैसे आप आगे इसके बेनिफिट्स को पढ़ोगे तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि इसको हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्यों कह रहे हैं. एमनियोसेंटेसिस इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर अंडरगॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इसको कब किया जाता है? इसको प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये किया जाता है एमनियोसेंटेसिस. ठीक है. इट इज़ कॉमनली यूज टू चेक बेबीज क्रोमोसोम. इसको बेबी के क्रोमोसोम्स को चेक करने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है? अब जैसे जैसे आप इसके बेनिफिट्स पढ़ोगे तो अपने आप इसके बारे में आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है इस डेफिनेशन के अंदर. ठीक है. इट कुड बी कॉल्ड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. ये एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है. मतलब इस एमनियोसेंटेसिस के द्वारा पहले ही जान लिया जाता है कि बेबी के अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है किसी तरह का, कोई जेनेटिक कोई डिसऑर्डर या कोई मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर उसके अंदर हो तो पहले ही वो जान लिया जाता है और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है. सो ये हमारे पास है एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई. इसके बाद हम इसके प्रोसीजर पर आएंगे और प्रोसीजर के बाद हम इसके कुछ बेनिफिट्स को देखेंगे. वैसे बेनिफिट्स इसके इस डेफिनेशन में ही क्लियर हो गए हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम उनको देखेंगे बाद में. ठीक है. सो नेक्स्ट हम आते हैं, देखो व्हाई एमनियोसेंटेसिस इज़ परफॉर्म्ड. पहले हम ये देख लेते हैं कि एमनियोसेंटेसिस को परफॉर्म क्यों किया जाता है, उसके बाद हम इसकी प्रोसीजर को देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है. सो जैसा कि मैं ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, इट कुड बी कॉल अ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. इसको जो है एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है कहा जा सकता है. मतलब बच्चे के जन्म लेने से पहले ही उसका डायग्नोस्टिक जो उसके डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाती है इस टेक्निक से. इसे वो पहले ही पता लग जाता है जैसे. ठीक है. तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि एमनियोसेंटेसिस को जो है परफॉर्म क्यों किया जाता है, मतलब इसके यूजेस क्या क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं पहले. सो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पर हम आते हैं. द एमनियोसेंटेसिस इज़ परफॉर्म्ड द फॉलोइंग थिंग. फॉर, यहाँ पर आप फॉर लगा दो, फॉर बीच में फॉर लगा देना. ठीक है. अब फर्स्ट पर हम आते हैं, इफ़ द क्रोमोसोम्स ऑफ द बॉडी इज़ नॉर्मल. अब यहाँ पर देखो, इससे ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है. अगर मान लीजिए किसी बेबी में किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसके क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ी है, मतलब क्रोमोसोम ज़्यादा है या कम है, उसको जो है इस टेक्निक के द्वारा चेक किया जा सकता है. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट यही कह रहा है कि इससे ये पता लग जाता है कि इफ़ द क्रोमोसोम्स ऑफ द बेबी इज़ नॉर्मल, मतलब जो हमारे पास जो बेबी है, जो वुमेन के अंदर होगा, क्या उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या नॉर्मल है, कहीं वो ज़्यादा या कम तो नहीं है. ठीक है. सेकेंड हमारे पास क्या है, इफ़ द लंग्स ऑफ द बेबी आर रेडी टू ब्रीथ, मतलब जो बेबी के लंग्स है क्या वो ब्रेथ करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, मतलब कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि उसके कोई जो लंग्स है अभी ब्रेथ लेने के लिए कैपेबल नहीं हो सके हैं, तो इसका भी पता वहाँ से लगाया जा सकता है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा. नेक्स्ट हम चलते थर्ड पॉइंट की तरफ, सेक्स ऑफ द डेवलपिंग बेबी. इसके द्वारा जो है जो डेवलपिंग बेबी होगा वूम के अंदर, मतलब यूटेरस के अंदर जो बेबी जो डेवलप कर रहा है उसके अंदर, मतलब उसका सेक्स क्या है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, इसके बारे में भी जो है इससे जानकारी प्राप्त की जाती है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द फाइटस, मतलब कि जो बेबी होगा उसके अंदर, जो डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर किसी तरह का कोई मेटाबॉलिक फॉल्ट तो नहीं, मतलब कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसके अंदर सही तरीके से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, क्या जब वो जन्म लेगा तो उसके बाद जो है क्या उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इसका पता भी वहाँ से लगाया जा सकता है. मतलब इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब किस प्रकार की है इसके द्वारा. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो अब इसके प्रोसीजर पर हम आते हैं. ये हमने देख लिया एमनियोसेंटेसिस है क्या और इसके कुछ एडवांटेजेस हमने देख लिए कि इसको हम परफॉर्म क्यों करते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्रोसीजर के ऊपर, मतलब इसको इसको हम
परफॉर्म कैसे करेंगे, तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। पहले आप इसको यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसको नोट्स में, ये अपने नोट्स अपने बना लेने हैं, उसके बाद मैं हम नीचे फिगर के ऊपर चलते हैं, वहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा इसको, ठीक है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो क्या है इसमें। टू प्रिवेंट द डैमेज टू फोइटस, लोकेशन ऑफ द फोइटस इज डिटर्मिंड बाय सोनोग्राफी। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या किया जाता है, सिंपली यहाँ पर देखो इसमें एक सिंपल सिरिंज की मदद से, मतलब एक सिरिंज की मदद से क्या किया जाता है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है वहाँ से जो है फ्लूइड को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उस फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो बेबी होता है, डेवलपिंग बेबी, उसके सोमेटिक सेल्स पड़े होते हैं। ये जो सोमेटिक सेल्स को उस सिरिंज के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब बाहर निकाला जाता है, ठीक है। और उसको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्टडी किया जाता है, उन सेल्स को जो सोमेटिक सेल्स जो है उस फ्लूइड से हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस डायग्राम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो इसको आप बेटर तरीके से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये आप यूटेरस देख रहे हो, ये अंदर जो एमनियोटिक कैविटी हमारे पास है, तो इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है। और इस फ्लूइड के अंदर ही इस जो ये हमारे पास ये बेबी है, जो डेवलपिंग बेबी है, इसके जो स्किन के जो सोमेटिक सेल्स है वो यहाँ पर फ्लोट कर रहे होंगे, मतलब स्किन से शेड हो रहे होते हैं सेल्स, ठीक है। तो वो जो है इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन जो एमनियोटिक सेल्स हमारे पास यहाँ, सॉरी, जो हमारे पास ये सोमेटिक सेल्स है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, उनको इस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर देखो इनको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो सेल्स है इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, इनको स्टडी किया जाएगा, इनके आधार पर जो है आगे जाके जो है रिसर्च करते हैं कि किस किस टाइप से जो है कोई किसी तरह का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या किसी तरह से अगर कोई डिसऑर्डर है तो किस तरह से उसको ट्रीट किया जाना चाहिए, तो इसका इससे जो है यहाँ से पता लग जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, सिंपली क्या करेंगे, सिरिंज की मदद से जो है एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है, हमारे पास सोमेटिक सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। इनकी स्टडी करके आगे जाके सब कुछ हम पता कर पाते हैं कि क्या क्या जो है उसके अंदर फॉल्ट है, ठीक है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसका पता वहाँ से लगाया जा सकता है। तो सिंपल सी प्रोसेस थी जैसा कि मैंने आपको कहा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर थे हम प्रोसीजर के अंदर। प्रोसीजर में हमने क्या किया, टू प्रिवेंट, अब यहाँ पर देखो हमने देखा कि इसको सिरिंज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जैसे नीडल से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा उसको फ्लूइड को। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बेबी की जो है लोकेशन कहाँ पर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का जो है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं होगा तो जो बेबी होगा डेवलपिंग बेबी, उसको भी जो है हार्म हो सकता है, ठीक है। तो उसको हार्म ना पहुंचे इसके लिए सबसे पहले सोनोग्राफी की जाती है। सोनोग्राफी से ये पता किया जाता है कि जो बेबी की पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं, अ फाइन होलो नीडल इज पास थ्रू द एब्डोमिनल एंड यूटेरिन वॉल ऑफ द फीमेल। अब यहाँ पर देखो अब क्या किया जाएगा, मैंने आपको कहा कि उस नीडल की हेल्प से क्या किया जाएगा, कुछ वो जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा जिसके अंदर उसके अंदर सोमेटिक फ्लूइड भी होगी, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसको परफॉर्म क्या किया जाता है, यहाँ पर देखो उस फ्लूइड को कब एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर दिया देखिए, अबाउट 14th और 15th वीक आफ्टर कोफ्यूलेशन, मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स के 15th वीक के आफ्टर, मतलब उसके बाद जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, उससे पहले परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, a small amount of amniotic fluid is withdrawn, its cells can be cultured in vitro for further examination. तो यहाँ पर देखिए इसमें से जो हमारा हमने amniotic fluid निकाला उसके अंदर somatic cells है, उसको जो है आगे जाके उसको examine किया जाता है, ठीक है। examine किया जाता है मतलब उसकी study की जाती है और जानने की कोशिश की जाती है कि कोई उसके अंदर कोई abnormality तो नहीं है baby के अंदर। next हम जाते हैं, ये abnormality कई तरह की हो सकती है, metabolic भी हो सकती है जबकि genetical भी हो सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसके सिग्निफिकेंस पर हम आते हैं कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारे पास एमनियोसेंटेसिस है इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट हम आते हैं, देखिए पहला तो जो है इससे सेक्स डिटर्मिनेशन, इससे ये पता लग जाता है कि जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है या फीमेल है। तो इसका पता जो है हमारे पास कैसे लगता है, तो यहाँ पर देखो इसमें दिया हुआ है द सोमेटिक सेल्स ऑफ द फर्टाइल स्किन। अब देखो जो एमनियोटिक फ्लूइड हमारे पास है जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया, तो उसके अंदर सोमेटिक सेल्स थे, तो ये सोमेटिक सेल्स कहाँ से आए, मैंने आपको पहले ही कहा जो बेबी है उसकी जो स्किन है वहाँ से सेल्स जो है शेड हो रहे होते, एमनियोटिक फ्लूइड में जो है फ्लोट करते हैं, तो वहां से जो है वो सेल मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर है वो उस फाइटस के ही है, मतलब जो उसका उस बेबी के ही है, ठीक है। ड्राउन फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड आर स्टेन्ड, अब उसको जब स्टेन किया जाता है उन सेल्स को, तो जो फीमेल के जो सेल होते हैं, तो आपको पता है कि जो फीमेल के अंदर जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो भी जो है हमारे पास XX ही होता है, ठीक है। तो फीमेल क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए इनकेस हमारे पास फीमेल है, मतलब वो फीमेल के सेल है, तो उस केस में देखिए क्या होगा, यहाँ पर लिखा, देखिए फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड आर स्टेन्ड टू डिटर्मिन द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमेटिन, इससे जो है सेक्स क्रोमेटिन
जैसे आप ये मान लीजिए दो, जैसे आपको पता है कि मेल और फीमेल के अंदर जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो तो सेम होते हैं, मतलब एक्स एक्स होते हैं, लेकिन 23rd क्रोमोसोम कैसा होता है, मेल के अंदर वो एक्स वाई होता है जबकि फीमेल के अंदर वो एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो जो फीमेल के अंदर जो एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं जब इनको स्टेन किया जाता है तो जो दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है वो कुछ डार्क कलर जो है प्रेजेंस अपनी जो है प्रेजेंस शो करता है, ठीक है। इसी को हम सेक्स क्रोमेटिन कहते हैं, मतलब ये कुछ डार्क कलर का हमें अपीयर होता है जब इसको स्टेन किया जाता है, ठीक है। तो इसी को जो है हम बार बॉडी या सेक्स क्रोमेटिन कहते हैं। इसके बारे में आप आगे भी पढ़ोगे, ठीक है, अभी बस इतना इसके बारे में जान लो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखिए क्या है कॉन्जेनिटल डिजीज, मतलब पहला तो इससे ये पता लग जाएगा कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये एक एडवांटेज भी है और दूसरी जो है डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश की बात नहीं है मतलब पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये जानने की कोशिश की जाती है कि गर्भ में जो है लड़का है या लड़की है, ठीक है। तो अगर लड़की हुई तो उसका एबॉर्शन करवा दिया जाता, तो एक अगर देखा जाए तो ये एडवांटेज के साथ भी एक डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए कॉन्जेनिटल डिजीज, जो दूसरे हमारे पास कॉन्जेनिटल डिजीज है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या लिखा है, बाय कैरियोटाइपिक स्टडी ऑफ सोमेटिक सेल्स। अब जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, मैंने आपको कहा कि इनकी स्टडी की जाती है, तो यहाँ से जो बहुत सारे टाइप की हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लग जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनसे ये पता लग जाता है कि पूरी तरह से पूरा पता लग जाता है कि कौन कौन से उस बेबी के अंदर जो है कमियां हैं, मतलब कौन कौन से उसके अंदर जो है एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे देखो ये तो सिंपल है, ड्यू टू चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, मतलब क्रोमोसोम के नंबर अगर ऊपर नीचे है तो ये भी मैंने ऊपर आपको बता दे, तो ये आप डिजीज़ के नाम कुछ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जेनेटिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं और जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में क्या क्या दिया है, बाय द एंजाइम एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, मतलब वो जो एमनियोटिक फ्लूइड हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसके अंदर हम एंजाइम्स की प्रेजेंस को भी देखेंगे, उनके उसके अंदर के एंजाइम्स को भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैन बी डिटेक्टेड, इससे जो है डिफरेंट टाइप्स के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को भी जो है डिटेक्ट किया जा सकता है। दीज इनबॉर्न एरर्स आर कॉज्ड बाय द अब्सेंस ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम ड्यू टू जीन म्यूटेशन। तो यहाँ से जो है पता लग जाता है कि कहीं पर किसी एंजाइम्स की जो है यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है, मतलब किसी की अब्सेंस तो शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो एंजाइम्स को भी यहाँ पर जो है पूरी तरह से देखा जाता है कि सारे के सारे एंजाइम है या नहीं है, मतलब जो एंजाइम जो है इंपॉर्टेंट है वो एंजाइम जो है फंक्शनल, मतलब अगर प्रेजेंट भी है तो कोई फंक्शनल है या नहीं है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और दूसरा भी अगर कोई देखेंगे, कोई दूसरी कोई मेटाबॉलिक फॉल्ट है तो उसको भी यहाँ पर जो है डिटर्मिन कर दिया जाता है। नेक्स्ट लिखा है, देखिए, सो विद द हेल्प ऑफ एमिनोसेंटेसिस इट इज़ कन्फर्म्ड दैट द चाइल्ड इज़ लाइकली टू सफर फ्रॉम इनक्यूरेबल डिफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इससे ये भी पता लग जाता है कि क्या चाइल्ड के अंदर कोई ऐसा डिजीज़ तो नहीं है कि वो इनक्यूरेबल है, मतलब जिसका कोई इलाज ही नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स के ऊपर, मतलब इसकी कुछ कमियों के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा, एक कमी तो इसकी यही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक तरह से इसका अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर हम देखा जाए तो इसका गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसको हम जो है ड्रॉबैक्स के में ही रख सकते हैं कि इससे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, आफ्टर एन एमिनोसेंटेसिस वुमेन मे एक्सपीरियंस क्रैम्पिंग। अब यहाँ पर देखो उसको जो वुमेन है जिसके अंदर एमिनोसेंटेसिस कराया गया है जिससे, ठीक है, तो उसमें देखिए अलग अलग टाइप की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जैसे उसमें उसके अंदर क्रैम्पिंग्स आ सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है और लीकिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूड है, जो एमनियोटिक फ्लूड है यूटरस के अंदर एमनियोटिक कैविटी के अंदर, तो वो वहाँ से लीक कर सकता है वो वाला फ्लूड, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो अ स्लाइट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, दूसरा जो है इससे जो है थोड़ा सा स्लाइट जो है इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि नीडल को इंट्रोड्यूस किया जाता है यूटरस के अंदर, तो उससे जो है इन्फेक्शन का भी जो है कई बार जो है खतरा रहता है। सो ये हमने एमिनोसेंटेसिस को पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।